क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एम एक्स प्लस, इसको मैं कोष्टक दे देता हूँ थोड़ा सा, थ्री एम प्लस वन इक्वल टू जीरो रूट्स देन एम। इसमें थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो अधूरी है, इसको थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं, है ना। इसमें आगे इक्वल टू जीरो के आगे एक बात लिखनी थी जो मिस प्रिंट में है, इसके आगे बात है, लिख लीजिएगा हैज रेसिप्रोकल रूट्स है, रेसिप्रोकल। अब सर ये नई कहानी कौन सी आ गई है, आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है उसमें हमने इक्वल रूट के बारे में बात की है, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात की है, लेकिन सर ये रेसिप्रोकल रूट क्या आ गया है? अगर ये बच्चों की क्वेश्चन है तो हम देख लेंगे, ये रेसिप्रोकल रूट क्या आ गया है सर, थोड़ा सा बच्चे ध्यान से समझिएगा। अगर एक रूट एक्स है तो दूसरा रूट वन बाई एक्स है, और सॉरी अगर इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट इसका वन अपॉन अल्फा होगा। ऑल राइट, हेलो क्रेडिट्स, क्लियर है? हाँ तो अच्छा, इलेवेंथ वाले बच्चों अपना नाम आईडी में स्टार्टिंग में इलेवन डाल लीजिएगा भाई, जब आप आईडी ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में इलेवेंथ डाल लीजिएगा, जिससे मुझे कंफर्ट फील होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा इलेवेंथ का है कौन सा ट्वेल्थ का है। ट्वेल्थ में सारे बच्चे तो है नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन छूट गया था वही बच्चे हैं, लेकिन थर्टीन के सारे बच्चे हैं। ओके ऑल राइट, क्लियर है सारी बातें, चलो करते हैं आगे। तो सर रेसिप्रोकल रूट के बारे में आप बात कर रहे थे, रेसिप्रोकल रूट अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट वन अपॉन अल्फा होगा, और सर इनसे फायदा क्या होगा, इनसे फायदा क्या होगा, कब हमारे फायदा होगा, जब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है। अल्फा बीटा क्या है सर? अरे अल्फा बीटा नहीं पता है बिल्कुल से? हाँ अल्फा बीटा वही तो है आपके, ये मान लो कि अल्फा है आपका रूट और ये बीटा रूट है, रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं हम, है ना, लेकिन यहाँ हम ये नहीं देना चाहेंगे। तो सर इससे क्या होगा, इससे होगा वही देखना, मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करता हूँ, दो रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई वन अपॉन अल्फा इक्वल्स टू वन। सर इसकी कहानियाँ क्या हुई, इम्पोर्टेंट कहानियाँ हुई आपकी कि वही प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू वन आ गया। तो सर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी क्वेश्चन को अगर इजीली समझना है तो? हाँ जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, जैसे पहले सोल्व किया था हमने, किस तरीके से सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट करके, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका सी बाई ए, और आपको यकीन होगा कि ये आपका सी है और ये आपका ए है। हाँ जी ये आपका सी है, ये आपका ए है, क्लियर है सारी बातें, सी बाई ए हम कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ सी क्या है आपका, थ्री एम प्लस वन डिवाइड एम स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू वन। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे मैथमेटिकली तो ये हो जाएगा थ्री एम प्लस वन इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस थ्री। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आएगी हमारे पास एम में, और एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आएगी तो वो क्या नज़र आएगी, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आएगी एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस का फोर इक्वल टू जीरो, क्लियर है सारी बातें। तो अब एम की वैल्यू आ जाएगी, अब एम की वैल्यू आ जाएगी तो एम के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, ए माइनस थ्री हो जाएगा या फोर, ए माइनस फोर, ए माइनस फोर एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एम की जो वैल्यू आई है, एम की वैल्यू आई है माइनस वन कोमा फोर, एम की जो वैल्यू है भाई वो है, हाँ जी इजी सा क्वेश्चन था, जेईई मेंस का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था।